बिहार के रोहतास में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि इस देश को सिर्फ चार गुजराती चला रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अडानी और अंबानी शामिल हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के एक दिवसीय संकल्प रैली में वो यहाँ शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार बिहार में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। इतना प्रभाव पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई सीट नहीं जीतेगा। हम लोगों का परिवर्तन रैली चल रहा है जिन जिन जिलों में, हर जगह इसी तरह का उत्साह और जोश से लोग सड़क बना रहे हैं, माला पहना रहे हैं, चोरन द्वार बना रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि महंगाई की मार से, बेरोजगारी की मार से पूरा देश त्रस्त है और मोदी जी को एक मिनट के लिए भी लोग गद्दी पर नहीं देखना चाहते हैं। राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना है उसका निश्चित रूप से इस बार सरकार बनेगा, इतना मैं अभी आपको कह सकता हूँ। सर इंडिया कितना गोलबंद हो पाएगा सर, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है? इंडिया 26 दलों का पूरा गठबंधन है, उसका अलग अलग काम के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई। सीट बंटवारे का कोई काम देख रहा है कोई कमेटी, कोई रैली का काम देख रहा है, सब में बंटवारा हो चुका है और समय पर फिर आपको हम लोग बताएंगे। मनोज झा के बयान पर सर क्या कर रहे हैं सर? मनोज झा के बयान पर सर क्या बोल रहे हैं सर? मनोज झा ने जो बयान दिया है वो कोई अनुचित बयान नहीं है। वो जो मोदी के अहंकार का बात तो उन्होंने किया है, ठाकुर किसी एक बिरादरी का ये नहीं है। ठाकुर तो दुनिया लोग भी लिखते हैं, ब्राह्मण लोग भी लिखते हैं, राजपूत लोग भी लिखते हैं। मनोज जी के कहने का मतलब कोई एक बिरादरी का नहीं था। उनके पार्टी के द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। वो जो समझते नहीं है वो लोग विरोध किए। हम लोग थे राज्यसभा में जब उन्होंने भाषण किया। अच्छा, ये परिवर्तन संकल्प रैली जहाँ जहाँ आप लड़ रहे हैं वहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, बिहार के 40 सीट पर लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन का जो सिंबल से चुनाव लड़ेगा सबको भारतीय कांग्रेस करनी मदद करेंगे उतने जोरदार ढंग से जितना कांग्रेस के उम्मीदवार को। और देश में अंबानी साहब और अडानी साहब चारों गुजराती मिलके और आपके खेत खलिहान का, आपके स्कूल अस्पताल का, आपके दवाई और पढ़ाई का किसी को चिंता नहीं है। ये इलाका धान का कटोरा समझा जाता है और आपके खेत खलिहान को जब कभी भी, मैं कल भी किसी समय कहा था कि पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 11वीं पंचवर्षीय योजना तक किसी भी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 10 रुपया 20 रुपया कस्टमरी हो जाता था हर